साथियों, अपनी विरासत को सहेजना, उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व होता है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन, अपने सांस्कृतिक वैभव के तमाम प्रेरक प्रसंगों और प्रेरक व्यक्तित्वों को सामने, जनता जनार्दन के सामने लाने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। देश से चोरी हुई मूर्तियां और कलाकृतियों को वापस लाना हो, पुराने म्यूजियम का पुनर्निर्माण हो, नए संग्रहालय बनाना हो, एक बहुत बड़ा अभियान बीते 7-8 वर्षों से लगातार जारी है। और इन प्रयासों के पीछे एक और बड़ा मकसद है। जब हमारी नौजवान पीढ़ी ये जीवन प्रतीक देखती है तो उसे तथ्य का भी बोध होता है और सत्य का भी बोध होता है। जब कोई जलियांवाला बाग स्मारक को देखता है तो उसे उस आजादी के महत्व का पता चलता है जिसका वो आज आनंद ले रहा है। जब कोई आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देखता है तो उन्हें पता चलता है कि आजादी के लड़ाई में दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों ने कैसे हर क्षेत्र का योगदान रहा, हर वर्ग ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। जब कोई क्रांतिकारियों पर बने संग्रहालय को देखता है तो उन्हें एहसास होता है कि देश के लिए बलिदान होने का मतलब क्या होता है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हां, दिल्ली में हमने बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थली अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण करवाया है। बाबा साहब आंबेडकर के जो पंच तीर्थ विकसित किए गए हैं वो सामाजिक न्याय और अटूट राष्ट्र निष्ठा के लिए प्रेरणा के केंद्र है। साथियों, यह प्रधानमंत्री संग्रहालय भी लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्रियों की विरासत को प्रदर्शित करके सबका प्रयास की भावना का उत्सव मनाता है। इसका जो लोगो है उस पर भी आप सबका जरूर ध्यान होगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोगो कुछ इस तरह का है कि उसमें कोटि कोटि भारतीयों के हाथ चक्र को थामे हुए हैं। ये चक्र 24 घंटे निरंतरता का प्रतीक है, समृद्धि के संकल्प के लिए परिश्रम का प्रतीक है। यही वो प्राण है, यही तो वो चेतना है, यही वो ताकत है जो आने वाले 25 वर्षों में भारत के विकास को परिभाषित करने वाली है।